हेलो हाँ, किधर पहुंचे तुम लोग? मैं रूम में हूँ, ये भी रूम में, ये टावर चल नहीं रहा इसका। ठीक है, बैठो घर पे ही, आई मीन होटल में। ये होटल नहीं, वो कोठे में बैठे रहो। कोटा है, पुलिस रेड मारेगी वो। एट दिस पॉइंट मेरा पेशेंस खत्म हो रहा था, क्योंकि मैं उनका 4 घंटों से वेट कर रही थी। हम लंच के लिए बाहर जाने वाले थे तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था। ओरी स्केर्ड ऑफ द कैमरा। ही स्केर्ड ऑफ द कैमरा। ही सो क्यूट। मैंने माइक जो कल रात को ऑर्डर करा था वो भी उनसे पहले आ गया, बट आई हैड नो आइडिया हाउ टू यूज इट। तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो आपको यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, आपको बेसिकली करना है, आप पे रिकॉर्डिंग ऑन किया और माइक लगाते हैं उसी जगह पे, आप जो माइक को Finally at 3 o'clock मुझे उनका कॉल आया कि वो नीचे खड़े हैं, so I went to pick them up. It's funny how I always imagined us meeting for the first time would be like happy and smiling, hugging each other. उसमें से कुछ भी नहीं हुआ by the way. I was really really hungry and in a shitty mood. ये है कीर्ति और मेरी मम्मी जी ने उसे खाना दिया है। कैसा लग रहा है खाना? स्पेशली फॉर कीर्ति। गाइस, कीर्ति मुझे बोल रहा है कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन रही। क्या कर रहा है तू? एंड मुझे कपड़े चेंज करने बोल रहा है, मतलब बेसिक है, हंस रहा है। हम तीनों ने तो ब्लैक मास्क पहन के विल रॉब द बैंक। यस। हम लोगों को कितना टाइम हो गया मिलके आके? कितना टाइम हुआ? मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ। आरजी 1.5 घंटे से तैयार हो रहा है। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। क्या कितना बजा? अभी 4:30 को हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। चीज़ केक तो कैसा था? चीज़ केक कितनी? चीज़ केक अच्छा था, मतलब 3 out of 5 दूंगा। 3 out of 5? 3.5। हाँ, मतलब it was okay। 3.5 okay। ये कॉफी तो बहन जो। After that, my driver had to go home. So RG asked me, "Let me drive your car. Wow, we can go to Marines. Wow, are you sure? तो चला पाएगा? ये गाड़ी थोड़ी बड़ी नहीं है? Wow, ये गाड़ी बड़ी है क्या? Wow, of course चला पाऊँगा. Wow, ठीक है, चला ले. 10 minutes later, Rohit is driving my dad's car. क्या हो रहा है? हम लोग पिछले 5 minutes से ये चलाना मैं देख नहीं पा रहा हूँ. Okay, okay, wait. अच्छा, ये रिवर्स है। हम लोग पिछले 5 मिनट से यहाँ पे हट के। भगवान आपकी आत्मा को शांति। नहीं, वो लेडी तो वही पूछने के लिए आई थी, मदद करूँ क्या? लगाए का मांगे इसे लाओ, अशी मांगे। हो मांगे लाओ। हम लोग अभी विवियाना मॉल आ गए हैं, बिकॉज दे बोथ वांटेड टू प्ले। आरजी वांटेड टू प्ले इन टाइम जोन और मुझे लगा इधर टाइम जोन है, बट इट वॉज समथिंग एल्स। क्या था वो? फन सिटी। तो अभी हम लोग का पोपट हो गया है एंड
आरजी इज बैक देयर शॉपिंग कर रहा है अपना. रीमेक हो जाएगा वो डांस का. कौन सा डांस? नो इंट्रोवर्ट वाला. नहीं. दिस इज आरजी बकेट लिस्ट हैविंग माइंड डिमेंशिया. ये हमने पानी पूरी ली है. सब मराठी और क्या मराठी लोगों को क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? ये स्पून क्या दिया है हमें? ये वो आलू आलू को स्पून गार्ड में डालने के लिए. कैसे खा रहा हूँ वही तो ये पेट दे मैं तो मत खा लोड़े. इसके मुंह में नहीं आ रहा, फिट नहीं हो रहा इसके मुंह में. नेक्स्ट मॉर्निंग आरजी का मूड पूरा टाइम खराब था. वो सोच रहा था कि हमें लगेगा कि वो डमैस है क्योंकि वो मेरी गाड़ी नहीं चला पाया. विच इज नॉट ट्रू एट ऑल. वी ऑलरेडी नो ही इज अ डमैस. यू डोंट नीड टू ड्राइव टू प्रूव अस रॉन्ग. तो उसने हम दोनों से पूछा इफ वी कैन रेंट अ कार टुगेदर बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ड्राइव. ओके मतलब क्या ही होगा राइट. तो हमने किसी ऐप से एक छोटी सी कार रेंट कर ली एंड देन वी हैड टू पिक अप दैट कार फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन जो आधा घंटा मेरे घर से दूर था. पहले तो हमें वो गाड़ी नहीं मिल रही थी, उसमें ही आधा घंटा चला गया. और फिर गाड़ी मिलने के बाद हमने देखा कि उसका एक टायर पूरा पंक्चर है. फिर वो गाड़ी हम एक मैकेनिक के पास लेके गए. फिर वो बोलता है कि इसका टायर तो चेंज करना पड़ेगा. फिर उसमें हमारे 500 और आधा घंटा दोनों चले गए. वो सब होने के बाद हमने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है. फिर पेट्रोल डलवा लिया और फिर वहां से निकलने के बाद हमें पुलिस ने रोक लिया क्योंकि हम गलती से गलत लेन में घुस गए. आई जस्ट वांट टू गो होम. घर वापस आके हमने खाना खाया और फिर हम सोच रहे थे ये क्या हो गया हमारे साथ सुबह सुबह. हमें इसके वजह से भी तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं रहना था. सो ही इज द फ्रेश स्टार्ट फॉर द डे. वेकअप सेट में वो है, बैठी होती है ना वेटिंग फॉर रणबीर कपूर. तूने देखा है? नहीं देखा वेकअप सेट? एक बात हम रात को देख रहे हैं वेकअप सेट. डू यू लाइक द व्यू? It is the next day. I'm sleeping in my living room क्योंकि ये दोनों मेरे बेडरूम में सो रहे हैं. Yesterday was a crazy day. RG already had a leg injury when he came in Mumbai. और फिर भी उसने कल पूरे दिन गाड़ी चला ली. हम तीनों के बीच I am the morning person तो मैंने breakfast बना लिया उनके लिए. ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया. ब्रेकफास्ट खा के आई वेंट टू अ सैलून टू गेट अ फ्रेश ट्रिम. वापस आने के बाद आई सॉ दैट ये दोनों नहाए नहीं है अभी तक एंड आई स्टार्टेड टू फ्रीक आउट अ लिटिल क्योंकि आज हमने एक मीटअप रखा था विच वॉज 30 मिनट्स अवे फ्रॉम माई प्लेस. नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल. अरे जूता फिट नहीं हो रहा है मुझे. क्या क्या हो गया? अरे पता नहीं ये बहुत टाइट हो रहा है. और ये बॉल में फिट हुआ तूने तो खुद ही बोला चेक करके. और ये 10 नंबर का है. इससे बड़ा जूता क्या होता है?
है इन द लिफ्ट लॉबी. इट वाज हिज आईडिया बिकॉज़ देयर वर अ लिटिल टू मेनी पीपल. अरे यार मैंने तो रिपोस्ट भी नहीं किया मैंने मेरे तुम लोग का. अरे तुझे ही सब लोग भेज रहे थे पता. हां मुझे वाओ आप तो मुझसे भी ज्यादा फेमस हो. वाओ मैं तो डाला भी नहीं स्टोरी में यार. बट इट वाज सो नाइस. हां इट वाज रियली दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. मतलब तुम लोग को मेरा फेम एक्सपीरियंस करके कैसा लगा? तुम लोग यहां पे छुपे हैं ताकि यू नो पूजा ताकि यहां पे कोई देख ना सके. दिस वाज माय ब्रिलियंट ब्रिलियंट आईडिया. That's it for today's video. Thank you so much for watching this vlog. I know isme Delhi trip nahi hai. I haven't included that kyunki ye video bahut zyada badi ho rahi thi. So I'm gonna post it as a part 2. So stay tuned up till then and don't rent a car. Okay, bye.